आइए जानते हैं उनके गांव से कुछ लोगों से कि सरकार जो कह के गई है क्या उसमें कुछ कार्य आगे बढ़े हैं कि मतलब उसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो प्रशासन के लोग आए थे जी, वो तो अपनी बात कहकर चले गए जी, लेकिन अब तक यहाँ 7-8 दिन हो गया, कोई निदान हो नहीं पाया। फिर कोई अधिकारी आया उसके बाद, दाह संस्कार करने के बाद जी, अब तक कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं आया। अच्छा, कोई जाजा लेने के लिए नहीं आया? क्या शहीद के घर पे क्या है, हाँ, खाने के लिए है कि नहीं है कि क्या है, मतलब कोई जांच पड़ताल नहीं? अभी नहीं हुआ, हाँ, कोई नहीं आया। तो क्या आप मांग करते हैं अपने शहीद के लिए? मैं अपने शहीद के लिए सबसे पहले तो उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ। क्यों देता हूँ कि ऐसे सपूत को वो पैदा किए कि जो देश के बॉर्डर पर जाकर देश की सुरक्षा के लिए, जिसके सुरक्षा की वजह से हम लोग जीवित हैं, हमारा पूरा इंडिया जीवित है उनके सेवा पर, लेकिन ये जितने कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन इसको ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बात, ये लोग अपनी व्यवस्था के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते हैं, हमारे आर्मी के जवानों के लिए अब तक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं उपलब्ध करा पाए, तो ऐसे नेताओं ऐसे सरकारों से हम लोगों ने क्या उम्मीद करें? चुनाव का एजेंडा, चुनाव का कार्यक्रम हर जगह हो रहा है, और जो एक देश का सपूत आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो जाता है उसके दरवाजे पे नहीं आते, क्या कारण है? कारण ये है, वो राजनीतिक लाभ लेते लेना चाहते हैं लोग, और यहाँ छोटे गांव अंचलों में रहने वालों की हालचाल कैसे लेंगे? अगर उस दिन जिस दिन लाश आई हुई थी, हम जिस दिन से वो घटना हुआ उसी दिन से इनके दरवाजे पर थे, हमारा बगल में घर है, और इनके परिवार से, इनके पिताजी के, शेषनाथ के बाबा, इनके पिताजी से भी हमारे घर का अच्छा ताल्लुकात रहा जी। तो हमारे कहने के मतलब, जब ये हमको सूचना मिला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, हम दरवाजे पर आए, जबकि इनके यहाँ आने के लिए रोड भी नहीं था, पानी भरा हुआ था, जो बगीचे से आप लोग आ रहे हैं, फिर टाउन एरिया से हम लोगों ने निवेदन किया, और टाउन एरिया से जीसीबी मंगा करके रोड को बनवाया। यानी आप लोगों ने अपने माध्यम से ये काम किया, जबकि शहीद का इन्फॉर्मेशन देवरिया जिले में अधिकारियों को हो गया था कि देवरिया जिले के रुद्रपुर टड़वा गांव का जो शहीद संतोष यादव था वो शहादत को हो गए हैं, तो उस दरमियान आप लोग खुद यहां काम कर रहे थे? देखिए, अधिकारी लोग तो कब आए हैं, जब हम उनकी लाश आ गई जी, जब लाश आ गई तो जिला के लोगों ने एडीएम बीत को यहाँ भेज दिया, एडीएम बीत को भेजा तो हमें लगा कि साला क्या व्यवस्था है, जिला अधिकारी एसपी महोदय को आना चाहिए, एक अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं, तभी हमें डाउट हो गया कि इसमें कुछ दूसरी बातें हैं। अगर एक गरीब का बेटा शहीद होता है, गरीब का ही बेटा मिलिट्री में जाता है, गरीब का बेटा ही सिपाही होता है, तो गरीब की बात को तो लोग सभी लोग कहते हैं, राजनीतिक मंच से तो सभी करेंगे कि हम गरीबों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़ा नहीं रहे, गरीबों को और गरीब कर रहे हैं। तो इसलिए मैं, जब उन लोगों को सूचना मिल गई थी कि ऐसी घटना संतोष यादव के साथ हो गया है, तो एक अधिकारी तो तुरंत आना चाहिए, रोड और रास्ता देखना चाहिए, किस तरह उनकी शहादत की लाश कैसे उनके दरवाजे पर पहुंचेगी, लेकिन इसकी व्यवस्था तो उनके दिमाग में है नहीं। वो लोग तो एसी में रहने वाले हैं, अच्छे बंगले में रहने वाले हैं, तो इनको गरीबों के दर्द को क्या जानेंगे? अच्छा, इस रोड के बारे में आप क्या कहेंगे, जहां से वो लिंक रोड ये आती है, आज बीच में वो रोड भी कटा हुआ है जो शहीद संतोष यादव के घर तक मतलब आती है, तो इसके बारे में क्या चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि शहीद संतोष यादव के दरवाजे तक रोड बनाई जाए, रोड नहीं है तो एक ट्यूबवेल की नाली जा रही है, उस ट्यूबवेल के नाली, जो कि ट्यूबवेल बंद हुआ है, पानी इधर आता नहीं, उसी ट्यूबवेल के नाली को बनवा करके संतोष के घर तक के रोड बनवाने का काम करें, रोड बनाने का, और कोई भी उनकी जो है, दूसरी बात ये कहता हूँ
कि शहीद शहीद के अमर बनाने के लिए एक उनको शहीद गेट का स्थापना किया जाए, दूसरा बच्चों को खेलने के लिए शहीद के नाम से स्टेडियम बनाया जाए, शहीद के परिवार के भरण पोषण के लिए उनके माता पिता की व्यवस्था को देखते हुए उनको एक पेट्रोल पंप देने का काम करें, और जब तक शहीद कि ये सब कामें पूरा नहीं होती है, ये लोग तो कहते हैं कि चुनाव चल रहा है, लेकिन उनका भाई मर जाता है, उनकी माँ मर जाती है, तो इनको टाइम मिल जाता है। एक गरीब का बेटा शहीद हुआ है, इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ की दुख पीड़ा क्या है। अब यही कह सकते हैं कि आज अभी तक यहाँ पे वो रोड का भी काम नहीं हुआ जहाँ से शहीद संतोष यादव का जो है रास्ता उनके घर तक आता है, और यहाँ पे वो पब्लिक है और यहाँ की वो जनता है, सब लोग बैठे हुए हैं, इन बातों को हम लोगों के बीच में रखा है। और सामने देख सकते हैं शहीद संतोष यादव का ये मकान है, और हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे कि आने वाले टाइम में इनके इनकी जो मांगे हैं और इनकी जो बातें हैं वो पूरी हुई कि नहीं हुई। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो